ओशन। हम आप सभी इस पुरानी दुनिया के अपनी अपनी प्रवृत्तियों में रहते, सेवाओं में रहते, हमको भी आपको भी सभी को चाहे लौकिक चाहे अलौकिक सेवाएं मिली हुई है, कार्य में रहते, व्यवहार में रहते, लौकिक अलौकिक संबंधियों में रहते, साथियों में रहते, परिवार में रहते और फिर हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स है तो बुद्धि में है, हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स है परंतु व्यवहार में कहा अनेक प्रकारों की प्रवृत्तियों में है और हमारी बुद्धि में लक्ष्य है रहना व्यक्त में है, कर्म व्यक्त में है, दुनिया व्यक्त है पर बनना हमें अव्यक्त है। जिसका सैंपल साकार बाबा की चाहे सन्मुख में अनुभव किए चाहे उनकी साकार बाबा के अनेक उदाहरण चरित्रों के सुनते तो ये भी हमारे लिए चेतन सन्मुख साकार की मिसाल है। इसलिए हम सभी इस तपस्या वर्ष में ये पुरुषार्थ रखते कि हमें अपनी स्थिति अव्यक्त फरिश्ता बनानी, अपने को सूक्ष्म वतन निवासी बनाना है, उसकी प्रैक्टिस बहुत काल से करते रहेंगे तभी उसी स्थिति का अनुभव करते चले। ये अंत में नहीं होंगी परंतु बहुत काल की मेहनत और अटेंशन और पुरुषार्थ से तो कोई ने मेरे से प्रश्न पूछा कि दादी आपका अनुभव क्या है, तो सबसे पहले हम सभी को नॉलेज है कि फरिश्ता कहते किसको है, अव्यक्त स्थिति कहती किसको है, सूक्ष्म वतन क्या होता, ये हम लोग को ज्ञान है कि एक साकारी दुनिया है एक निराकारी दुनिया है परंतु ये संगम पर हमारे पास में विशेष अव्यक्ति वतन की सैर करने की भी विधि है, अव्यक्त वतन वासी बनने की भी विधि है। बाबा हमारा अव्यक्त वतन वासी है तो अव्यक्त स्थिति अब से बनने की हमारी सभी के बुद्धि में ये लक्ष्य है तो लक्ष्य से लक्षण आते वो स्थिति है कि हम सभी को ये अभ्यास करना चाहिए। एक है कोई भी कर्म करो उस कर्म का रूप बन जाते,
तो कर्म के रूप बनने से कर्म का माइंड पर इफेक्ट होता है। कर्म थकाएगा, कर्म बुद्धि को भारी करेगा। ये कर्म करना है, ये कार्य करना है, ये इतना कार्य है, ये इतनी बात है, ये इतना कैसे होगा, इतना कैसे होगा, उसका बोझ हो जाता है। परंतु कितना भी बड़े विशाल कार्य हो, जब हम बाबा को सामने रखते तो आता कि ये मेरा कार्य है या बाबा का कार्य है, मेरी जवाबदारी है या बाबा की जवाबदारी है, मेरा डायरेक्शन है या बाबा का डायरेक्शन है, मुझे आत्मा की श्रीमत है या बाबा की श्रीमत है या किसी की श्रीमत है। तो बुद्धि में आता श्रीमत जो श्रेष्ठ बनाती वो बाबा की है। तो बाबा बुद्धि में आने से वो श्रोमणि श्रीमत सामने आती और उसी के अनुकूल फिर ये आता कि मैं करती हूँ, मैं करता हूँ या बाबा की आज्ञा है, बाबा करता बाबा कराता। बस इतनी बात में बहुत अंतर हो जाता बुद्धि। अगर आता बाबा करता बाबा कराता, बाबा की श्रीमत है, बाबा को याद करो, बाबा से प्रेरणा लो, तो बाबा हिम्मत दे देता, शक्ति देता और उसी शक्ति से फिर कार्य करो तो वो कार्य सरल सहज और सफलता प्राप्त कराता। कोई विघ्न भी होगा, कोई डिफिकल्ट भी होगा, कई बातें ऐसी होती जो बहुत मेहनत भी होती है, परंतु बाबा की हिम्मत से तो बाबा को सदा साथ रखो तो सहज होता। साथ माना कि सदा बाबा सन्मुख हो तो बुद्धि ऐसे लगे बाबा मुझे इशारा दे रहा है करो, ऐसी अनुभव होगा। चलेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, लगेगा कि बाबा कुछ मुझे कह रहा है। इसके लिए जितना जितना बाबा के ऊपर अपना निश्चय होता, आधार बाबा होता, बुद्धि बाबा में होती, तो क्या होता, हर एक कार्य कहा हल्का हो जाता, सरल हो जाता। दूसरा, ये बुद्धि में होता कि मैं ट्रस्टी हूं, तो ट्रस्टी भी हूं और ट्रस्ट वर्दा भी है, माना इतना फेथ भी है। तो जहां फेथ होता वहां बाबा की सूक्ष्म बहुत मदद होता, जिसको कहा जाता है जितना तुम विश्वास करेंगे उतना तुम बल पाएंगे। तो फेथ है तो उसे पहली फिर धारणा ये होती है, हमारा अनुभव कहता कि जितना जितना हम हर एक कार्य को उमंग से करेंगे, उत्साह से करेंगे, उतना वो कितना भी बड़ा कार्य होगा वो हल्का सहज हो जाता।
अगर पहले सोचा जाता ये तो बहुत बड़ा मुश्किल है, तो छोटा कार्य भी मुश्किल होता। अगर यही सोचा जाता उमंग में है, हाँ ये कैसे भी है, ये बाबा को प्रत्यक्ष करने का कार्य मुझे करना ही है, ऐसे ही ये धंधा मुझे करना ही है, और ये मैं बाबा लिए करता, तो कैसा धंधा भी होगा, तो भी आप लोग सहज कर सकेंगे, सेवा में जाएंगे तो भी सहज लगेगा। और फिर तीसरा, ये ज्ञान है बुद्धि में कि मुझे कमल फूल के समान प्यारा भी रहना है, न्यारा रहना है, तो न्यारेपन की विधि बहुत सबको सीखनी चाहिए। और उसकी फिर विधि है कि हर एक बात का बैलेंस रखो। कई बार क्या हो जाता, कहेंगे तपस्या करूं तो बस धुन लगी तपस्या की, तो दूसरी बातों में जाएंगे। कई बार कहेंगे करो ये बहुत बड़ी सेवा, तो धुन लगी उनकी तो स्व उन्नति भूल जाएंगे। कब कहेंगे खूब धंधा करो अच्छी तरह से, आपको तो इतना है, तो उसमें इतना लग जाएंगे जो पढ़ाई छूट जाएंगे। कब कहेंगे लौकिक को खूब अच्छी तरह कुछ करो, तो इतना उसमें लग जाएंगे जो अपना रेगुलर स्टूडेंट हूँ, ये भी छूट जाएगा। रात को 12 बजे सोएंगे तो सुबह क्या उठेंगे, फिर कहेंगे क्या करूं। लेकिन हमने बाबा को देखा, हर एक का टाइम एक्यूरेसी और फिर सब का बैलेंस, इसलिए अपनी दिनचर्या बैलेंस से होती है। अगर कोई दिन कार्य बहुत है तो बैलेंस करके दूसरे दिन फिर उसको नॉर्मल मिलाओ। होता है कभी कभी बहुत ना, परंतु एक बात ये है, जैसे शरीर रखो, भले आप 16 घंटा भी दिन रात में काम करो, फिर भी कम से कम इतना सोचेंगे कि 4-5 घंटा तो आराम करो। अगर आप 8 दिन आराम न करो, नहीं बहुत काम है, और रात का आराम नहीं करो, तो सारा जो कार्य है वो इतना ब्रेन थकेगा, जो फिर आप 2 घंटे के भी काम करने के योग्य नहीं हो। तो शरीर को भी बैलेंस चाहते, कार्य भी करो, आराम भी करो, भोजन भी खाओ। ऐसे ही इस पढ़ाई की हमारी चारों सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इस चारों में बैलेंस रखो। बैलेंस की आप अपने पास में विधि सीखो, उनका चार्ट रखो। बाबा कई बार कहते 8 घंटा काम करो, 8 घंटा पढ़ाई करो, 8 घंटा आराम करो, ये बैलेंस देता। लेकिन उसको दिनचर्या में हम कैसे अपने अपने व्यवहार अनुसार अपने शरीर को भी चलाते कैसे रखें, उसकी आप लोग सेटिंग करो। तो सेट करने से हर एक बात का आप अनुकूल टाइम रखें, तो टाइम रखने से पढ़ने के टाइम पढ़ाई होगी, योग के टाइम योग होगा, और काम के टाइम काम होगा, तो बैलेंस होगा। नहीं तो बैलेंस छोड़ देते तो रिजल्ट ये होती है, तो कहां टू मच में चले जाएंगे कहां। तो ये सभी बैलेंस वगैरह रखने से अपनी स्थिति नेचुरल शांत ऑटोमेटिक रहती है, गाड़ी की स्पीड भी कंट्रोल में होती है, तो सेवा की स्पीड भी कंट्रोल में हो, तो व्यवहार की भी स्पीड कंट्रोल में हो,
तो अव्यक्त रहने की स्थिति भी कंट्रोल में, ना उसमें हाई जाओ ना उसमें लो जाओ, ऐसा हमारा अनुभव कहता। फिर अपने पास में हर एक बात की विधि होती, हमें खुशी में रहना है जरूर, लेकिन उछाल नहीं माननी, क्योंकि बहुत उछालते, उसी से भी कभी दिल शिकस्त हो जाते, कोई काम नहीं होगा दिल शिकस्त। लेकिन नहीं, हमारे को कहा एक तरफ हमें याद की यात्रा भी रखनी है तो दूसरे तरफ सेवा भी करनी है, तो बैलेंस चाहिए। ऐसी बुद्धि को भी बाबा ने समझाया है, कभी बालक रहो कभी मालिक बनो। मालिक कहाँ बनो वो विधि बाबा ने सुना, काम में मालिक बनो, राय दियो मालिक बन दियो, परंतु प्रैक्टिकल के लिए फिर बालक हो जाओ। ऐसे नहीं कि फिर मालिक बनो तो इतना बन जाओ जो बालक बना आवे ही नहीं, फिर मालिक बनेंगे तो बोझा हो जाएंगे। तो कहीं को हम कहती तुम मालिक होके करो तो बस टू मच में उसमें चले जाएंगे, फिर सारी जवाबदारियों का खुद को जवाबदार समझते हैं। कहेंगे बालक हो जाओ, जो कहो जो कहो, अरे तुम्हारे को बुद्धि नहीं है क्या, जो कहो क्यों कहते, तुम्हारे को भी बुद्धि। तो बुद्धि भी बाबा ने दिया है और हमारी बुद्धि में ज्ञान है, तो जो भी कार्य करो वो ज्ञान सहित करो तो लौकिक में भी अलौकिकता बढ़ जाएगी। ऐसे करने से हमारी बैलेंस की शक्ति इतनी बढ़ती जो अपनी स्थिति को सहज हम अव्यक्त बनाने का पुरुषार्थ करते। मैं ये नहीं कहती मैं फरिश्ता बन गई हूँ, कोई भी हम नहीं कहते, परंतु हाँ कर्मातीत बनने का, फरिश्ता बनने का जरूर अटेंशन रहता। क्यों? पहली बात तो बाबा कहते जीवन मुक्ति का मजा सतयुग का है, लेकिन वहाँ क्या होगा उसको हम क्या अभी समझे, इसीलिए वहाँ की बात तो वहाँ है, हम क्यों नहीं जीवन मुक्ति का मजा मीठा अमृत अभी भी पी जाते। हर बात में हम ऐसे समझे कि हम हर बंधनों से हर प्रकार से क्लास सुना है बंधनों का, हम जीवन मुक्ति का सच्चा आनंद अभी इस जीवन में लियो। हर बात में हम जैसे मुक्त है, किसी में हम बंधन में फंसी हुई बुद्धि है, बुद्धि को नहीं फंसाओ। हम सबके आधार भी है, हम सबसे निराधार भी है। हमें बाबा भी कहता बच्चे तुम मेरे आदम मददगार हो, मेरी भुजाएं हो, तो बाबा हम हमारे आधार और हम बाबा के आधार। बाबा कहते मैं तेरे सिवा दुनिया का कैसे करूं, साकारी दुनिया में तुम बच्चे चाहिए, तो बाबा भी हम बच्चों को अपनी भुजाएं बना के आधार बनाता और हम फिर बाबा को आधार बनाते। लेकिन बाबा आधार बनाते बाबा तो निराधार है। ऐसे ही हम एक दूसरे के आधार भी है, लेकिन फिर हम एक दूसरे से निराधार भी है। हम एक दूसरे के उधार चित भी है, लेकिन हम उधार चित होते भी हम अपने उधार में है। हम एक दूसरे के लिए उदाहरण भी है, लेकिन हम उदाहरण होते भी अपना उदाहरण का विशेष ध्यान रखते। बस तुम ही मेरा उदाहरण हो तो मैं तुम्हारा फुट स्टेप लियूं तो कभी नीचे गड़बड़ हो जाएंगी। उदाहरण बनो लेकिन फिर भी आधार बाबा को। तो इन सभी कई बातों का अपने को बहुत कदम कदम में सोच के चलने से, बैलेंस रखने से
देखा जाता अपनी स्थिति, कहा चाहे अव्यक्ति रखो अडोल रखो, बुद्धि की वेस्ट नहीं होती। और उसी में ये लगता है कि सदा मेरे सामने बाप दादा है। साकार में तो कुछ भी नहीं है, पर बुद्धि में रहता सदा मेरे सामने बाप दादा है। तो बाप दादा की गाइडेंस रहने से ऐसा रहता है कि कहा कि जो भी बात सही होगी वो टच होती है। मैं तो देखा है कई बार, खाने पर बैठो, स्नान पर जाओ, उठो, काम करो, अचानक बाबा इतनी बातें बुद्धि में देता जैसे कि सामने बाबा कई बार प्रेरणाएं देता रहे। तो आप लोग भी मेरे प्रेरणा शब्द, बाबा कहता है प्रेरणा क्या, प्रेरणा क्या, पर भाव हमारे भाई, हम तो ऐसे ही कहते बाबा जैसे प्रेरणा देता टच करता, राइट को बाबा जैसे टच करता। तो इसी तरह से जितना इसमें फिर गहराई में जाएंगे और आप लोग को अनुभव होता रहेगा, जिस सूखे वतन से हमें पास होके घर जाना है वो जैसे हमारा अभी ही यात्रा में हम सैर करते हैं। जितना जितना थोड़ा लाइट रहेंगे, आप योग में बैठेंगे, लगेंगे कि मैं वतन की यात्रा करता रहता हूँ। सूखे वतन में गए, लाइट की वतन में जाओ, ये कोई ट्रांस की बात नहीं है, लेकिन बुद्धि से भी अनुभव कर सकते। और बहुत अच्छा अनुभव होता जब बुद्धि सेकंड में परम धाम जाती, फिर अपने वतन में आती, तो वो वतनवासी बाबा जिसको कहते हैं न हड्डी है न मांस है, लाइट और रूह है, ऐसे बाबा के सामने खुद को भी कई बार ऐसे लगता मैं भी उसी लाइट के कार्ब में बैठी हूँ। वो लाइट का कार्ब में ऐसे लगता ये तन भी बहुत बहुत है ही नहीं, हल्का है। और इसी विधि से खुशी रहती। दूसरी बात, संगठन में रहने की आप लोग सभी एक जरूर विधि रखो। एक होता है मैं करूं, एक होता है आप करो। कोयों को ऐसी है कि दूसरे से काम कराने में खुशी होती, और कोई का ये नेचर होती खुद करेंगे तो बस समझेंगे कि यार नहीं तो दूसरे का पसंद नहीं आएगा। अगर हम सब खुद करेंगे तो ऐसे तो कार्य होगा नहीं। दूसरे के कार्य को भी पसंद करो, साथ दे के चलो। तो कई ऐसे कार्य संगठन में होते तो एक दूसरे को साथी बना के और कार्य का एक दूसरे में बांट के करो। एक तो उसमें लव होता, दूसरी उसमें यूनिटी होती, तीसरा वो कार्य कितना भी बड़ा होगा सहज हो जाए। तो लव भी चाहिए, यूनिटी भी चाहिए, संगठन में चलने की एक आर्ट भी चाहिए, कला चाहिए। तीसरी बात, इसमें एक ये विधि जरूर सीखो। एक होता है खुद को ही राइट समझना, दूसरा होता नहीं दूसरा भी राइट, उनके दूसरे राइट का आप थैंक्स मानो, उनकी वेलकम करो। तो दूसरे के विचारों को भी वेलकम करो, तो वेलकम करने से आगे वाले का भले आज न भी राइट होगा लेकिन कल उनको उत्साह आएगा, वेरी फाइन, हाँ आप बहुत अच्छा कार्य किया, वेरी फाइन, बहुत अच्छा है, और आगे करना और इसको अच्छा, तो उनका उत्साह बढ़ता है। लेकिन कई ऐसे है विश्वास ही नहीं करेंगे ये कोई काम अच्छा करेगा, तो दूसरे को अच्छा आने वाले की भी हिम्मत जुट जाती, फिर सारा बोझ अपने पर पड़ता है। नहीं, तीसरी बात, दूसरा काम करे, दूसरा आगे बढ़े, दूसरे की महिमा हो, दूसरे का गायन हो, उसको देख खुश होना चाहिए, उनको देख उनको थैंक्स देना चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। लेकिन कई ऐसे है दूसरे की महिमा सुनेगा ना तो उनको जेलसी होगी, इसने इनकी महिमा क्यों की, मेरी क्यों नहीं की, अरे तू भी उनकी कर। उसका नाम है कहो पहले आप, पहले आप,
आप करो, मैं साथ हूँ, तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, उनको छोड़ नहीं दो, देखो करे ना, कहता है ना करके दिखावे ना, ये गलत है बच्चा, नहीं मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे साथ है, तू कर, तो मैंने किया। तो ये भी एक दूसरे का फेथ, रिस्पेक्ट सब होता है इसमें, लव भी होता, रिस्पेक्ट भी होती और फेथ भी आता और उसी से मददगार होती। लेकिन कईयों की नेचर होंगी, मैं ये है गलत, आप ये है राइट, इसलिए थोड़ा मैंपन का जो अभिमान है वो बहुत अव्यक्ति स्थिति का पहला पहला अगर दुश्मन है तो मैं हमें कभी अव्यक्त नहीं बनने देंगे, परंतु जब मैं पना छोड़ेंगे तो अव्यक्त स्थिति सहज बनेगी। इसलिए हम लोगों को बाबा कहता भी है ये मैं पने का जो पूछ है ना वो बहुत है, वो अभिमान मनुष्य को नीचे गिराता, हमें वो नहीं करना। इसकी विधियां जबी जबी क्लासेस होते बाबा की अनेक अव्यक्त मूल्यों में भी मिली है। तो ये सब साधनाएं हमें बहुत लाइट बनाती और ये हम सब सीखे, चाहे बाबा चाहे मामा। मामा होती थी हर एक कार्य में हमें एक इशारा करती थी गाइड करने, कभी मामा तो नहीं लेकिन गाइड करके इशारा दे करके ऐसा कार्य कराती थी, हम सब करते थे लेकिन फिर मामा उनकी रिजल्ट पूछती थी, ये कार्य हुआ कैसा हुआ क्या हुआ, अच्छा किया पर दोबारा करो ना, थोड़ा ऐसे नहीं कहेंगी तुमने गलत किया, कभी मामा ऐसे नहीं कहेंगी, मामा कहेंगी बहुत अच्छा किया, ऐसा किया ना, अच्छा फिर करो ना आगे ऐसे थोड़ा करना। उसे मुझे करेक्शन भी मिली लेकिन मुझे उत्साह भी मिला। अब यहाँ हम क्या करेंगे, देखा ये काम किया सारा खराब करके आया, तो उस बेचारे का गया वहाँ शौक। तो ये एक बोली भी, एक जिसको कहा जाता है ना हमारी बोली वही मधुर होती तो उमंग लेंगी, वही बोली मधुरता के बदली हम दूसरे बोलते तो उसका जो शौक है, उमंग है, हिम्मत है, एक सीखने की जो कला है वो डाउन हो जाती। इसके लिए हम तो देखा बाबा भी अरे हर एक कार्य उंगली पकड़ के भी सिखाता था लेकिन छोड़ देता था, जैसे नहीं तारू होता पहले उंगली पकड़ के कहेगा तैरना सीखो, फिर कहेगा अभी चल वहाँ पे अपना हाथ पांव चला तब तो सीखेगा, तो नहीं हाथ पकड़ के चलेगा तो आगे कैसे तैरना सीखेगा। तो ये भी एक ऐसी है कि हमें उंगली भी पकड़नी है लेकिन उंगली छोड़ के भी करना है। तो ये सभी का कहा विधि होती और लक्ष्य है हमें अपने को फरिश्ता बनाना। फरिश्ता का माना है कोई रिश्ता नहीं, रिश्ता माना देहधारी का रिश्ता नहीं, लेकिन अपने भी जो रिश्ते हैं ना, कहीं अपने बुद्धि के, कहीं अपने बीमारियों के, कहीं उनों से भी अपने रिश्तों को, अपने संस्कारों को, उनों से भी तो हमें रिश्ता तोड़ना है, अपने संस्कारों, अपने आदतों, अपने सेलिब्रेशन, अपने शौकों को भी तो हमें छोड़ना है। रिश्ता माना अपने साथ सब रिश्ता छोड़ना, ऐसे नहीं कि सिर्फ साथियों का लौकिक का छोड़ना है, पर सब। तो जितना हम रिश्ता छोड़ेंगे उतना ही तो हम फरिश्ता बनेंगे। तो ना अब अहंकार का फरिश्ता रिश्ता चाहिए, तो ना कोई दूसरे भी आसक्तियों का, ममताओं का, ये सभी अनेक अनेक जो सूक्ष्म रिश्ते हैं, हम उनसे अपने को उड़ाते जाएंगे तब तो फरिश्ता बनेंगे, नहीं तो फरिश्ता करते। तो ये इतनी बड़ी गहरी भी है भी सहज है भी गहरी। इस स्थिति को जितना मीठा रखो उतना खुद भी मीठे रहेंगे, दूसरे को भी मीठे लगेंगे। अगर खुद ही खुद को मीठा नहीं होंगे तो दूसरे को भी मीठा नहीं लगेगा। तो ये भी नहीं खुद मियाँ मिठू बनो और दूसरा करवा मिठू बनो, ऐसा भी नहीं करते। कई होते हैं जो अपने को मियाँ मिठू बहुत, बाबा कहते हैं मियाँ मिठू माना अपनी बहुत, अपने को अच्छा समझना, अपनी बड़ाई करना और दूसरे के लिए तो जितना बुरे से बुरा, हर एक सारा दूसरे का अवगुण ही दिखाई पड़ेगा, अपना गुण दिखाई पड़ेगा, मैं ही राइट हूँ तू सारे ही रॉन्ग हो, ये तो गलत बात। ऐसा जो मियाँ मिठू बनता, खुद को ही राइट समझता, दूसरे को रॉन्ग समझता,
उनको कोई भी लव नहीं मिलता, इसलिए हमें मियां मिठू भी नहीं बनना है। तो कई बातें ऐसी बाबा हम लोगों को सिखाता है जो सीखने से हम बहुत लाइट रहते हैं। और उसका कारण है हम हर एक बात का देखो उसका कारण है हम हर एक बात का देखो बाबा को देखो, बाबा टीचर भी था लेकिन बाबा स्टूडेंट भी था। आपको कैसे, मैं एक छोटा मिसाल बताऊं। समझो आज चित्र लिखना है, उसके लिए बाबा लिखत लिखेगा, चित्र लिखते उसका बाबा चित्र में मैटर क्या डालो, कोई किताब छपेगा लिखेगा, फिर लिखे फिर दूसरा बार पढ़ेगा, फिर रखे फिर मनन करेगा, फिर तीसरा बार पढ़ेगा, फिर चौथा बार करेक्शन करेगा। बाबा की बुद्धि जाती, उसको देखेंगे करेक्शन करेंगे फिर ठीक। ये नहीं कि बाबा जो लिखा बस बाबा ने जो लिखा यहाँ लो, नहीं, फिर बाबा स्टूडेंट बनता कि मैंने क्या लिखा यार बाबा, अच्छा नहीं इसको और करेक्शन करो, नहीं अभी इसमें ये अच्छा चाहिए, अभी नहीं ऐसा होना चाहिए। ऐसा हर एक कार्य बाबा उनको करेक्ट खुद भी करता, तो बाबा खुद को करेक्शन करता, लिखा तो बाबा ना, लेकिन अपने लेखक को बाबा मेहनत करके करेक्ट भी तो करता ना। तो बाबा अपने आप को भी दिखाता था, मैं देखो स्टूडेंट की स्टडी है, मुरली है, क्या हुआ, पांच हुआ, मथन करो, मनन करो, बाबा वो भी सिखाता था। तो ऐसे नहीं कि बाबा कोई बात नहीं, जितना ही बाबा कार्य कराता था बाबा को हम देखते थे हर एक बात को बैलेंस ने देखा तो सीखा हम बाबा से। बाबा की बातें सुना रही थी तो बाबा को तो हम देखते थे मिसाल, दादी भी देखती। हम तो एक मिसाल बताऊं, हम आते थे बाबा के पास, हम समझो आ गए, आधा दिन बीता या बाबा के सामने गए तो पहले बाबा पूछेगा बच्ची तुमने आज की मुरली सुनी? मैं कहूंगी नहीं बाबा नहीं सुनी। क्यों क्यों मुरली नहीं सुनी? नाश्ता खाया? नाश्ता किया, मुरली क्यों नहीं सुनी? वहां पर मुझे कुछ नहीं कहेगा, सीधा मुरली में आके कहेगा बच्चों को अपमान है, नशा है, मुरली का कदर थोड़ी है। तो बाबा ने कान भी पकड़ा, अच्छा प्यार भी किया, लेकिन सीधी बात सावधानी भी दी। तो बाबा सिखाता कि पढ़ाई पर कितना ध्यान चले। फिर वो मुझे उस टाइम नहीं कहेगा, इतना कह के अच्छा बच्ची पढ़ लेना, फिर दूसरा काम करेंगे, तो मैं तो उसी में बिजी हो गई, लेकिन देखेगा पढ़ी नहीं है, सीधा मुरली में आके बोलेगा बच्चों को नशा है, मुरली का कदर नहीं है। तो बाबा को मुरली का बहुत कदर होता था, मुरली का प्यार होता था। मैं ये नहीं कहूँ, लेकिन बाबा हम लोग क्या समझाया, समझो कोई मेरे से विजिटर मिला, कोई को मैंने समझाया, तो मैं सिर्फ लिखेंगी बाबा कल हम गई और फलाना मिला था और उसने बहुत कई प्रश्न उत्तर किए और बहुत अच्छे खुश हुआ। कहेगा मुझे तू खुश हुई, बाबा नहीं खुश हुआ। क्यों? तुमने बाबा को लिखा कि उसने प्रश्न क्या पूछा, तुमने उत्तर क्या दिया, तो बाबा देखे ना तुमने उत्तर क्या दिया, तुम्हारे को कितना उत्तर आया, राइट दिया या रॉन्ग दिया, बाबा तुम्हें कैसे करेक्शन दे दे। तुमने लिखा बाबा को कि मैंने क्या उत्तर दिया, अब मैं बाबा को बैठ के लिखूं क्या, बाबा उसने प्रश्न ये पूछा फिर मैंने ये समझा, नहीं। पर बाबा कहेगा तुम क्या समझाया वो लिखो। अब बाबा सचमुच वो हम पत्र लिखते थे, बाबा फलाने ने ऐसे पूछा फिर मैंने ये जवाब, तो बाबा उसी पर हमको करेक्शन देते थे, हाँ बच्ची तुमने ये ठीक किया, नहीं बच्ची अभी इसको ऐसे समझाओ। तो बाबा हमें सब सिखाता था, ये भी नहीं कि छोड़ देगा, अच्छा बच्ची समझाया हाँ ठीक है, नहीं बाबा कहेगा सब। तो बाबा वो सब पूछता था, बाबा सुनता था, बाबा को अच्छा लगता था सुनना सुनाना और करेक्शन करना। तो हम देखती थी इतना बाबा का हमारे पढ़ाई पर बाबा का ध्यान जाता था। और बाबा का खुद की बाबा हम कहते थे बाबा को क्या जरूरत है पुरुषार्थ करने की, बाबा कहेगा क्यों नहीं करते, मुझे भी तो कर्माती सोना, मैं क्यों नहीं पुरुषार्थ करता, मैं भी तो करता। तो देखा जाता है, कई कहने का मतलब है हमारा पुरुषार्थ पर फुल अटेंशन चाहिए।
और साथ साथ हम बाबा को देखती थी। एक तरफ बाप होता था तो दूसरे तरफ बाप के रूप में करुणा का सागर, क्यों बाप होता ही अखिल्या का सागर, और टीचर रूप में बिल्कुल बाबा स्थित रहता। तो बाबा का तो दोनों सतगुरु रूप में तो है, परंतु मैं मिसाल बाप और टीचर रूप में, टीचर थोड़ा करा होता है और बाप थोड़ा प्यार करता, तो बाप करुणा का सागर भी रहता था तो टीचर रूप में स्ट्रिक्ट भी रहता था। ऐसे नहीं आप बाबा के सामने तो कोई ऐसी हसी बात करो, कोई हल्की बात करो, कभी नहीं बाबा को पसंद आएंगे। लेकिन हम बच्चे होते थे, खेलते भी थे, हाँ खेल में भी सब एक दूसरे बाबा को कहते थे बाबा अब आपने हराया, तो दूसरी कहती ऐसे तो नहीं कहना चाहिए बाबा को, अभी खेल में हरा, हाँ हाँ बेटी मैंने हराया, तो कहेंगे हाँ हाँ बेटी मैंने हराया। लेकिन फिर सेकंड के बाद देखो तो बाबा एकदम मास्टर होके खड़ा है। तो बाबा का हम दोनों पास देखते थे, कोई विजिटर आएगा तो कैसे, तो बच्चे आएंगे तो कैसे, हम तो सब देखते। इसलिए ये सब बाबा हमें एक्टिविटी सिखाई है कि बच्चे कहीं ऐसे, मैं देखती हूँ कभी किसी छोटी भूल हो जाती, अरे दूसरा उसके पीछे पड़ जाएगा, इतना असल उस बेचारे का, बेचारी का असल दिमाग को गर्म कर लेगा, भाई गलती हो गई खत्म हुई ना बात, नहीं 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 नहीं, अरे उस बेचारे का खून पसीना कर लेंगे, ऐसे थोड़े कर, अरे भाई गलतियां होती है चलो हो गई। तो ये हमारे को खिमिया भी रखनी पड़ती, करुणा भी रखनी पड़ती, तरस भी खाना पड़ता, स्वीट भी रहना पड़ता, परंतु हाँ रंग और राइट का ज्ञान भी देना पड़ता। परंतु हम देखते हैं कई तो ऐसे स्टूडेंट्स है जैसे धनराज का धंधा ही उनके हाथ में है, कि हमको एक दूसरे को डंडे मारने वाले थोड़ी है, ये तो ला हम नहीं हाथ में उठा सकते, हाँ लव है, कोई रंग है बात, कोई को कह दिया भाई ये तुम्हारी बात रंग है, थोड़ा ध्यान रखो, अटेंशन अटेंशन देना। लेकिन असल कोई किसी के पीछे असल दुश्मन होके लगेगा, जैसे कि उनके ठेका उसने दिया है, वो शायद इंस्पेक्टर आया है, पुलिस का कि कौन आया है। हम तो कई बार ऐसे, ये व्यवहार हमारे ब्राह्मण कुल में नहीं चलता, हम ब्राह्मण कुल है, हम ब्राह्मण परिवार है, हम ईश्वरी परिवार है, तो यहाँ कई बातें होती तो हमें कहते हैं दादी ये तो इंस्टीट्यूशन में, ये इंस्टीट्यूशन है ऐसा होना चाहिए। मैं मुस्कुराती, कहते क्यों, मैंने कहा ये भी सोचो ये इंस्टीट्यूशन है तो ये ईश्वरी परिवार भी है, हम सिर्फ इंस्टीट्यूशन में नहीं है लेकिन हम ईश्वरी परिवार, परिवार की प्रीत भी है तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई भी, हमें दोनों तरह से चलना पड़ता, न हम सिर्फ स्टूडेंट होके चलती, न हम परिवार होके, न परिवार के लूज रहना है न स्टूडेंट होके स्ट्रिक्ट रहना, स्ट्रिक्ट भी रहो परंतु लाइट भी। हमको कई बार कहते दादी तो बहुत सभी को, अरे भाई ये क्यों नहीं सोचते सभी मेरे परिवार है, कोई मेरे ही हाथ में ला का डंडा है का? नहीं, मैं ला का लाफुल बनो लेकिन ला का डंडा नहीं मारो, यहाँ एक दूसरे को बहुत जुबान से भी कड़वे शब्द भी बोलेंगे, नहीं ऐसा नहीं। हम लोग को बाबा ने लव एंड ला दोनों का बैलेंस दिया, तो परिवार भी है तो हम इंस्टीट्यूशन भी, हमें दोनों को है। जैसे बाबा कहते कुछ भी बनाओ, हाँ कम खर्च बाला नशे, अच्छा भी बनाओ लेकिन फिर सिंपल भी बनाओ, कितना अच्छा है। कई बार हमसे ऑफिसर ये वो बातें करते, मैं कहती हूँ देखो आप लोग कितना भी अच्छी को, हमें बाबा ने कहा है और क्या कहा जाता है, सिंपल लिव सिंपल और हाई थिंकिंग, हाई थिंकिंग भी कही है तो लिविंग हमको सिंपल भी तो सिखाई है, सादा जीवन उच्च विचार, तो ये भी तो बाबा ने सिखाया है। ताकि हम ऐसे भी नहीं है कि हमको बस हम हाईएस्ट की है इसलिए हर बात हाई करेंगे, नहीं ना हम हाईएस्ट में जाते ना हम हाई करते, जो हाईएस्ट जाते वो हाई हाई भी करते, हमको ऐसा सिखाया ही नहीं है बाबा ने, हमें हाई हाई भी नहीं करनी है और शो भी नहीं करना है, हमको ऐसा बाबा ने सिखाया है कि हाँ बिल्कुल हमें ऊंचे विचार रखना है लेकिन लिविंग सिंपल। इसलिए बाबा के परिवार है
खाओ दाल रोटी, लेकिन कभी कभी परिवार है अरे क्यों नहीं हम खाएंगे, क्यों ये हम कोई हठ योगी है क्या, अगर हमारे हमने कभी कोई अच्छी चीज बनाई तो कहाँ खाएंगे, अरे सब कहाँ खाएंगे, कोई बाजार तो खाना नहीं है। अच्छा आज मन है पानी पूरी बनाओ, अच्छा बनाओ क्यों नहीं बनाओ, हाँ दादी को तो शौक बहुत है। मैं कहती हूँ अच्छा कहाँ खाएंगे, न शौक रखो भला कहाँ खाएंगे, बाजार से तो खाना नहीं है, अगर मास में एक बार भी खाया आप, अच्छा आप लोग आए कभी खाया तो कहाँ खाएंगे, दुकानों से तो खाना नहीं है, बाजारों से तो खाना नहीं है, तो घर में ही तो खाना है, तो घर में बाबा न खिलाएगा तो क्या आइसक्रीम क्यों नहीं खाएं, अच्छा हम न खाएंगे तो कौन खिलाएगा। नहीं मैं इसको अच्छा मानती हूँ, क्यों नहीं भला ताली क्यों नहीं बजाओ, भला दादी भी न खिलाए बाबा न खिलाएंगे तो बाजार से तो खाना नहीं है ना, क्यों नहीं खाओ, भले खाओ बाबा जो खिलावे, हाँ ये भी है जो खिलावे वो अच्छा है, और फिर बाबा दाल भात भी खिलाता है ठीक है। यहाँ तो देखो हर एक, मैं तो ये थैंक्स मानती हूँ, आज आप लोग है कोई यहाँ, हर एक का खाना थोड़ा अपना अपना होता है, हम तो सबसे थैंक्स विदेशियों को मानती जो कभी इंडियन खाना टेस्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ तो ऐसा प्यार से कहते बहुत अच्छा चपाती, अरे भाई तुम लोग कभी खाई नहीं, जब ब्रेड तो खाते हैं हमें तो चपाती दियो और दाल भात खाते, नहीं तो इनों का खाना तो अपना होता। वैसे ही यहाँ मैं देखती हूँ अरे कर्नाटक का अपना खाना तो, महाराष्ट्र का अपना तो, गुजरातियों का अपना, पर मैं देखती हूँ मधुबन में आके सब ऐसा खाते हैं जैसे कि अमृत मिल गया है सारों को। अरे मैं जितना कहती हूँ खाना बनाओ रोज सुनो कुछ ना कुछ कम हो जाता है, अबे कम क्यों करते, खाना जास्ती बनाओ, कम नहीं होना चाहिए, नहीं भले प्यार से खाओ क्या खाएंगे, अरे दो रोटी के बदले तीन रोटी खाई तो प्यार से खाओ, दो का चार खाओ, चार का आठ खाओ, कोई मना है नहीं। मैं मिसाल कहती हूँ अरे दाल भात ही तो बाबा खिलाता क्यों नहीं खाए, अरे कभी बेलपूरी खाई तो क्यों नहीं खाए, भला कहाँ खाएंगे। मैं कहती हूँ पानी पूरी खाओ आइसक्रीम खाओ, बाजार से तो नहीं खाएंगे ना, तो बाबा न खिलाएंगा तो और कौन खिलाएगा, इसलिए जरूर हमें ये ख्याल रहता, शौक कहो शौक है, लेकिन मैं कहती हूँ जिनको बाजार में नहीं खाना तो बाबा न खिलाएगा तो कौन खाएगा, मधुबन में क्यों खाएंगे, बाजार से तो नहीं मधुबन वासी खाने जाएंगे। तो अच्छा आप लोग तो घर में फिर भी अपने मन की पसंद की सब्जी बनाएंगे, यहाँ तो वो नहीं बनती या तो सब जनरल, तो क्यों नहीं मधुबन में सब खाओ, इसीलिए बाबा पहनाता भी है तो खिलाता भी है तो फिर कहता सेवा भी करो काम भी करो। हम आपको बताऊं हमारे मधुबन में एक एक जो सिस्टम है, सब मधुबन वासियों को कपड़ा मिलता साल में एक बार, साल में एक बार कपड़ा मिलता लिस्ट अनुसार, फिर मैं क्या देती, हमको बाबा ने सिखाया ना ऊंचा पहनो ना सादा पहनो, इसके लिए आप लोग तो टेरिकॉट पहनेंगे, हम मधुबन के टेरिकॉट नहीं देती, इतने वर्षों में एक बार पहले ड्रेस दिया है एक बार अभी ड्रेस दिया है, आप पूछो मधुबन वासियों को टेरिकॉट हम नहीं देती, क्यों मैं 150 रुपए वाली ड्रेस दूंगी, नहीं देती, देती नहीं देती, एक बार कभी स्टॉक फुल आ जाता, इस बारी हमारे पास में आई थी, हमने सब मधुबन वासियों को टेरिकॉट की ड्रेस दिया, नहीं तो मैं नहीं देती। आप पूछो क्या, अब बताऊं क्या पहनते, सुनो समझो आज चार ड्रेस मुझे देनी है, मैं दो ड्रेस देती हूँ पापलिन की या लता, वो भी हमारा मीडियम, लेकिन दो ड्रेस पता है क्या देती हूँ, जिसको कहा जाता है ना कोरा कपड़ा, आप लोग क्या कहेंगे उसको, लथा नहीं, लथा नहीं, कोरा कपड़ा, जो मोटा मोटा होता जो जिसकी नहीं, ये जैसे ये चादरों का कपड़ा मोटा, ये सादा, खादी नहीं है, नहीं पापली नहीं है, ये जिसको वो नहीं, जिसकी खोली बनाई जाती है वो होता है, वो हम दिखाऊं, वो थोड़ा मजबूत होता। अब देखो एक तो उसकी खूबी है, बाबा ने हमें 12 बरस हमें वो लठा वाला ये कोरा कपड़ा पहनाया, आता भी कोरा ही है और मजबूत होता,
और वो मुखिया भी होता है। क्यों? पापलिन लेंगे 5 रुपए मीटर तो कोरा मिलेगा हमें 2.5 रुपए मीटर। मैं दाम पूरा नहीं, मतलब मैं एक दाम बताती। अब जो ड्रेस पापलिन की मेरी, आपके कुर्ता पैजामा 50 रुपए पड़ा, उसमें मैं लखा दूंगी तो 50 में 2 ड्रेस मिले। तो बाबा ने तो हमें एक नाम ही सिखाई। आप पूछो सभी को ऐसा है, और आप लोग तो तेरी कार पहनेंगे। नहीं, हम नहीं, क्यों पहने? अच्छा ठीक है, आप लोग इसीलिए कि भाई उसी में प्रेस और धुलाई नहीं होती। अच्छा पहनो, हमारी मना नहीं है, भले पहनो, लेकिन ये क्या होता है ना? तो बाबा ने कहा है सिंपल रहो और सैंपल। मैं इसलिए मिसाल सुनाया कि जो चीज हमारा खर्च कम हो और सफेद हो। आप हमारे पांडवों को देखो, सभी सफेद कपड़े पहनते, लेकिन वो इतना हम सादा कपड़ा दे तो बहुत अच्छा रहता है सभी को। कभी कुछ इत्फाक भी हो, कुछ भी है, एक तो फटेंगा भी नहीं, गुम भी हुआ तो चलो इत्फाक कम खर्च का हुआ, हम क्यों महंगी थी। तो बाबा ने कहा ही नहीं, किसी ने पूछा मकान, मैंने कहा देखो हमारा इतना बड़ा हाल, सभी देखते हैं कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल है, एकदम ब्यूटीफुल है, लेकिन है क्या? सिर्फ पत्थरों की, ईंटों की दीवार है और उस पर प्लास्टर है। कोई हमने प्लास्टर पेरिस कराई है? कोई छत में प्लास्टर पेरिस है? आप लोग को मालूम इतना ये सस्ते में सस्ती चीज ऊपर लगी पड़ी है, जो बिल्कुल सस्ते में सस्ती चीज है। सीमेंट भी महंगा है उनसे ये सस्ता है, लेकिन कितना ब्यूटीफुल है। और मुझे पता है आजकल सेंटर में भी यहाँ प्लास्टर पेरिस हो, यहाँ फलाना हो, काहे चीज तुम लोग खर्च करते हो? हमें बाबा ने सिंपल एंड स्वीट किया, जितना हम सिंपल रहे उतना। हाँ बाकी दाल रोटी प्रेम सिखाओ, उसमें क्या? कहने का मतलब शौक रखो। मैं ये नहीं कहती हठ योगी बनो, नहीं है, क्यों नहीं, अच्छी ड्रेस पहनो, दफ्तर में जाते पहनो, मने नहीं है, क्योंकि आप लोग दफ्तरों में जाते, लेकिन ऐसे भी नहीं उनके पीछे में दे अपमान आवे, आसक्ति आवे, ये सब भी नहीं होना, न दे अपमान चाहिए न आसक्ति। इसलिए बाबा कहते अरे ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हो, पर हो तो बेगर, एकदम चोटे पर चढ़ा के अब कहते हो तो बेगर, कहां से कहां पहुंचा था। हमें अपने ऐसे व्यवहारों से बहुत दिल खुश रहती, नो टेंशन परंतु अटेंशन, अटेंशन जरूर दियो, लापरवाह नहीं बनो, सुस्त नहीं बनो, बहुत केयरलेस बनते नहीं, बहुत बहुत लापरवाही बहुत बहुत स्थिति के भी नुकसान करती। हम लापरवाह भी नहीं रहते, बिल्कुल अटेंशन रखो, नहीं तो खुद को ही चोट लगती। तो कहने का मतलब है अपनी स्थिति को बहुत स्वीट बनाओ, लाइट बनो, स्वीट बनो, और उसी के साथ आप ऐसे व्यवहार रखो ना, फिर इसी व्यवहार से आपकी जो प्यूरिटी की स्थिति है ना, वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी होती है। ये जो मनसा तूफान उठते उनका भी ये कारण है, ये संग दोष, ये व्यवहार, ये खाना, ये पीना, ये बुद्धि, ये दृष्टि दूसरों में जाना, इसलिए ये सब होते। परंतु आप नेचुरल रहो और बुद्धि को बिजी रखो, बहुत बिजी, जितना बुद्धि को फ्रेश और बुद्धि रखो, मनन चिंतन ज्ञान की अथवा कार्य की व्यवहार में जितनी बुद्धि फ्रेश रहेगी उतनी बिजी रहेगी, तो कभी डिप्रेशन नहीं होगा। नहीं तो आजकल डिप्रेशन की बीमारी भी बहुत हो गई है ना, बस मुझे तो तपस्या करनी है, 8 घंटा बैठ जाएंगे, अरे भाई फिर उठेंगे तो डिप्रेशन हुई पड़ी है, क्या तेरी तपस्या हुई? वे क्या तेरी तपस्या हुई? फिर हमारे पीछे में डॉक्टर सस्ते, आप लोग का योग तो बहुत अच्छा है, लेकिन बड़े चढ़ जाते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है, क्या हुआ? ये अच्छा हुआ योग, ये तो रिपोर्ट हो गई, तो रिपोर्ट नहीं बनाओ ना, ऐसी ऐसी परिस्थिति करो ही नहीं, और न किसको तंग करो। मुझे ये भी मालूम है जरा एक दूसरे को बहुत तंग करते हैं, दुख होता है, तंग करना माना दुख देना, बाबा का मंत्र है सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख।
इसलिए ये भी कर्म विकर्म की सावधानी बहुत रखने से अपने को अकर्मी बना सकेंगे। कर्म विक्रम की सावधानी नहीं रखेंगे तो अकर्मी भी नहीं रहेंगे। सम्मान में भी रहो लेकिन दूसरों को भी मान दो। तो इस प्रकार की अपनी स्थिति बहुत मीठी रखने से ऑटोमेटिकली अव्यक्त बनते और बाबा सदा जैसे कि अव्यक्त कृष्णा अपने आंखों के सामने घूमता रहे। लोग कहते हैं, आप लोग भी कहते, मधुबन के कण कण में बाबा दिखता, नहीं अनुभव करते? ऐसा फील होता है, होता है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ बाबा है तो फील होता। आप लोग जहाँ भी रहो वहाँ पर घर का वातावरण ऐसा रखो लगे कि जैसे कि बाबा मेरे घर में छत्र छाया बन के बैठा हुआ। घर का भी वातावरण ऐसे बनो, घर को भी इतना स्वर्ग बनाना, स्वीट बनाना अपना अच्छा कर दिया। अच्छा, तो ये एक थोड़े व्यवहारों को भी बाबा कहते जरा सा प्लीज मर्यादाएं भी रखो। इसके लिए आप लोग सहयोगी हो, आप लोग के सहयोग से टीचर्स का सहयोग, टीचर्स के सहयोग से आप लोग का सहयोग है। एक दूसरे के सहयोग से हम क्या करेंगे, स्वर्ग बनेंगे। ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर द बेटर वर्ल्ड। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनाना है, ये मंत्र है ना, यही है ना, ये हमारा है ना। तो ये पक्का करके जाओ, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। तो ये आप वायदा भले लिखो, चिटकी लिखो, मैं अगर कि प्योर रहेंगे, कभी कोई वातावरण नहीं करेंगे, हम यूनिटी से रहेंगे और बिल्कुल लवली रहे, प्यूरिटी यूनिटी एंड और लवली। ओम शांति।